हेलो गाइस, जय परशुराम, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। स्वागत आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज है शिवरात्रि का दिन, महादेव की शिवरात्रि है आज, सावन की शिवरात्रि है। और आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं, जल्लू और साईं जा, हम मंदिर में जाके आ भी चुके हैं, क्योंकि वो लेट हो रहे थे, 7:15 का टाइम हो चुका था और 7:30 बजे उनकी बस आ जाती है, तो हम 7:30 बजे मंदिर गए थे, इसलिए मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाया। और वह मुझे करना था वहाँ मंदिर में शूट, बट तो उनकी बस के चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी उनसे जल चढ़वाया और भोलेनाथ पे हम जल चढ़ा के आए हैं। मज़ा आ गया। सुबह सुबह नहा धो के हम तैयार हैं, आज पहली बार हम जल्दी उठे हैं, अदरवाइज़ मैं 8 बजे तो उठता हूँ, है ना। तो अभी हम जाके आ चुके हैं और बच्चे जा चुके हैं, और जैसे ही मैं उनको यहाँ पे लेके आया मंदिर से, बस बाहर खड़ी थी, फटाफट से झल्लू को शूज़ डाले और उसके बाद वो चले गए। फिलहाल हम करेंगे पाठ, पूजा, और आज है मेरा फास्ट, और सभी फास्ट था 11 का, आज है शिवरात्रि का फास्ट, और देखते हैं कि आज हम कैसे फास्ट रखेंगे, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि कैसे रखते हैं, बट हम रख लेंगे, जैसे भी रखेंगे बट रखेंगे जरूर। उससे पहले दोस्तों, मैं आज आपको दिखाता हूँ हमारा घर दोबारा से, क्योंकि एक बार पहले मैंने दिखाया था आपको मेरा होम टूर, आज मैं आपको मेरा घर दिखाता हूँ, क्योंकि हमने इसकी थोड़ी सी रिनोवेशन करवाई है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बट एक बार के लिए जितना करवाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, जल्दी से। ये देखिए गाइस, पहले अपनी दीवार ऐसी थी, यहाँ से ये शुरू हो जाता है, ये हमने पूरी दीवार पे यहाँ पे टाइल्स लगवा चुकी है। पहले ये सिंपल थी, अभी हमने इस पर टाइल लगवा दी है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और इधर भी टाइल लगी है, और यहाँ पे जो इसके पिलर्स थे यहाँ पे भी हमने टाइल्स लगवा दी हैं, ये देखिए। एंड ये है रिद्धि सिद्धि जी, ये पूरा फर्श हमारा बैठा हुआ था, ये सारा चेंज करवा दिया है दोस्तों। ये देखो, सब न्यू करवा दिया, मोटर न्यू करवा दी, मोटर भी नहीं लगा दी है। इधर खिड़कियाँ, ये जो वुडन की थी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है दीमक वाली, तो उस वजह से हमने उसको चेंज करवा के और ये लगवा लिया है। अब हम चलते हैं अंदर, ये देखो, ये नीचे सारा हमने चेंज करवा दिया, अंदर भी टाइल करवा दी है। ये देखिए, थोड़ी बहुत ये जो थोड़ी बहुत दीवारें आ रही थी वो भी हमने करवा दिया है। अब हमारा रह गया सिर्फ पेंट का काम। ये है सोरू भैया का कमरा, ये देखिए गाइस, ये हमारा कूलर गाइस, यहाँ पे भी हमारा वुडन का जो एक अलमारी बनी हुई थी वो हमने तोड़ दिया, क्योंकि उसमें भी सारी दीमक लगी हुई थी। तो अभी फिलहाल हमने ये थोड़ी सी डेकोरेशन की है, ये खुद ही किया है मैंने, मेरे हाथ से किया है ये, हमारे पास ये पड़ा था घास वाला मटेरियल और मैंने इसको लगा दिया है। बाहर से ये लुक आती है दोस्तों, ये देखो, ये सारा हमने यहाँ पे रिपेयर करवा दिया है। ये देखो दोस्तों कि जो किचन की है विंडो वो भी चेंज करवा दिया हमने, ये देखिए, ये सारा हमने जो थोड़ा थोड़ा जितना भी था वो सब हमने रिनोवेट करवा दिया है। तो ये है मेरा घर, ये हमने यहाँ पे पेड़ पौधे रखे हुए हैं, पौधे छोटे छोटे। गाइस ये लीजिए, अब हम करेंगे पाठ जो जल्दी है, मैं आपको दर्शन करता हूँ, भोलेनाथ जी नहीं दिखेंगे आज आपको यहाँ से, ये मम्मा लेके आई थी। ये है खाटू नरेश जी, श्रीनाथ जी, बालाजी महाराज, श्री राम दरबार, खाटू नरेश, बोला जी, हमारे कान्हा जी छोटे छोटे, ये देखो, और ये है हमारे साईनाथ जी महाराज, जय श्री कृष्ण। आप कर लेते हैं फटाफट से पाठ और मिलते हैं आपसे पाठ करने के बाद।
भारत के साथ आ गया था यहाँ पे दोबारा मंदिर, क्योंकि मेरा दिल नहीं माना कि मैं आप लोगों को जब तक दर्शन ना कराऊँ भोलेनाथ के, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आज है भीड़ मंदिर में, पल्लू भी आई है साथ में, पल्लू बिना नहीं आई है, ये भोलेनाथ की भक्त है ना ये, इसलिए चलो चले चलो। तो गाइस मैं आ गया हूँ जिम करने के लिए अभी, और आज सुबह से कुछ नहीं खाया पिया क्योंकि आज है मेरा फास्ट, तो सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ दो चाय पिया, इसके अलावा कुछ भी। तो करते हैं जिम, मिलते हैं गाइस। कुछ भी हो जिम नहीं छोड़नी, अब फैट को लूज करके रहेंगे आप। और आज सुबह नहीं आ पाया था इसलिए अब शाम को आया हूँ थोड़ी देर के लिए, तो कर लेते हैं फिर चलेंगे फटाफट से जिम करके। तो गाइस फिलहाल जिम से आ चुके हैं और हम खा रहे हैं फ्रूट यानी कि बनाना, ठीक है, क्योंकि फास्ट भी है। तो गाइस आज है शिवरात्रि जैसा कि मैंने आपको बताया था, और शिवरात्रि के साथ साथ आज सैटरडे भी है, और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर, क्योंकि मैं आज सैटरडे जाता हूँ शाम को शनिदेव के मंदिर, जो मेरे जस्ट वो देखो शोरूम के सामने है, ये रहा मंदिर। तो अब मैं यहाँ जा रहा हूँ मंदिर में फटाफट से, यहाँ पे दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, और ये देखो मैं आपको मंदिर भी दिखाता हूँ कैसे सजा रखा है, बढ़िया तरीके से सजा रखा है इसको, शनिदेव का मंदिर। तो अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड में। पहले हम लेंगे एक माला, लेना भी एक माला, दोनों में डाल दो। ये मंदिर को सजा रखा है, वस्त्राविता या वृंदावन दंड मंडित कर या शेत पदमासना या ब्रह्मा चतशंकर पर्वति देवेशता मंदिर सामापात सरस्वती भगवती निशेषिता ज्ञापा कैलाश राणाशी चंद्रमौली फणनी माता मुक्ति दलाली कहने सिंधु बुध तुझी निशंभ मुझको निधारी। गाइस मंदिर में माथा टेक लिया है और अब जा रहे हैं दोबारा शोरूम पे, अब जाके रिपोर्ट बनाते हैं, है ना, बस टाइम होने वाला है क्लोजिंग का। फिलहाल अब सड़क पार करते हैं जी। ओ बॉयज यस, यहाँ जेबरा क्रॉसिंग तो बना रखी है, बट यहाँ पे कुछ रेड लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी आओ कोई भी जाओ कोई चक्कर नहीं है। ये देखो, ये देखा, कोई नहीं रुकता यहाँ पे। गाइस दिन की शुरुआत की थी मंदिर से, और दिन का जो अब जो हमने एंड किया है वो भी किया है मंदिर से। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, शिवरात्रि स्पेशल ब्लॉग आप जरूर देखिए, जो भी इस ब्लॉग को देखेगा भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, तो इस ब्लॉग को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो फिलहाल चलते हैं अंदर।